हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप भी ठीक होंगे। आप कहाँ से हैं? मैं एक गोपालगंज जिले का रहने वाला हूँ और मेरा नाम इलेक्ट्रिक का संबंध में हम वीडियो बनाता हूँ, तो हमारे इलेक्ट्रिक टेक्निकल चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप कहाँ से हैं प्लीज कमेंट में लिखिएगा। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल और यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत स्पेशल चीज़ देखने वाला है, जो हमारे पास एम्पलीफायर है। देख सकते हैं हम बहुत सारा पतला में है, देखिए बहुत पतला में और बहुत खूबसूरत है। इसका आज टेस्टिंग करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे कि ये कैसा वर्क करता है। तो वीडियो में बने रहे, आप देख सकते हैं इसमें आप किसी में भी लगा सकते हैं, कार में भी लगा सकते हैं, आप ट्रैक्टर जिसमें लगाना हो बाइक में लगा सकते हैं, खूब अच्छा वर्क करता है। इसका बात करें तो इसका नंबर है 40, देखिए 44 40, आप देख सकते हैं 44 40 इसका। और डबल आईसी हमको इसमें मिल जाता है। तो आइए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, मिलता है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमको कभी मिलता है ऐसे हम खोलेंगे। और इस एम्पलीफायर बहुत पतला है और बहुत शानदार दिखने वाला है, आप देख सकते हैं। आपके पास पीस देख लीजिए, हमारे पास एक यहाँ पे ब्लूटूथ पैनल मिल जाता है और यहाँ पे हमको वॉल्यूम बटन मिल जाता है, बेस मिल जाता है, और इसको कम बेस करने के लिए यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है। एलईडी आप देख सकते हैं, जैसे मतलब हम सप्लाई देंगे हमारा एलईडी यहाँ पे ब्लिकिंग करेगा और हमारे पास ये स्विच ऑन ऑफ होगा, ठीक है। और इधर हमारा वायर दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम आप देख सकते हैं कितना शानदार और इमेजिंग दिखने वाला है। यहाँ पे हमको वायर मिल जाता है, यहाँ पे हमको रेड और ब्लैक मिलता है, वो हमारा ये हमारा सप्लाई का है। तो इसको खोल लेते हैं अच्छे से, इसको खोलने के बाद हम इसका ये हमारा रेडियो के लिए एंटीना यहाँ पर निकला हुआ है, इसको इसी तरह छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं हमारा एक बेस का तार है और एक स्पीकर का तार है, ठीक है। तो इसको हम साइड करते हैं। ये जो हमारा वायर है ये सप्लाई का है, तो इसके चलिए हम बॉक्स को चेकिंग करेंगे और देखेंगे हमारा कैसा वर्क करता है। अब वीडियो बना रहे हैं, अब मेरे बीट चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को आगे करते हैं और इसमें स्पीकर इसमें जुड़ कर बजाते हैं, देखते हैं कैसे हमारा वर्क कर रहा है। हमारे पास ये इसको चलाने के लिए हमको 12 वोल्ट का ज़रूरत पड़ेगा। जो एक मेरे पास 12 वोल्ट का पहले से चार्जर है, जो 1 एम्पियर का है, 12 वोल्ट का है, 220 वोल्ट पर ये ऑपरेट करेगा। तो चलिए इसका हम वायर यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार हमें इसका वायर निकाल दिया है। तो इसको हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के लिए हम कनेक्शन फिर से आपको बता देते हैं। ये पीला वाला वायर इसमें दिख रहा है, ये हमारा एंटीना का है, जो आप रेडियो बजाएंगे इसके लिए, ठीक है दोस्तों। और जो ये आप ग्रीन वाला दिख रहा है ये बेस का है, और ये जो दिख रहा है आपको स्पीकर का है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये रेड और ब्लैक है, ये इसमें हम 12 वोल्ट ऐसे सप्लाई देंगे जो हमारा सिस्टम ऑपरेट करेगा। चलिए इसको हम साइड करते हैं और इस प्रकार हम रखते हैं। रखने के बाद एक और बात आपसे बताने वाले हैं, देखिए हमारे पास और एक हमारे पास इसमें रिमोट मिला है, आप यहाँ रिमोट से हम सारा कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपली मेरे पास ये विदेश का है, जैसे इंडिया में ऐसा, तो इसी को बनाने के लिए हम इसका ये हम लाए हुए हैं। कुछ इस प्रकार देख सकते हैं, ये 320 रुपये का पड़ा है, आप भी मार्केट से इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत हैवी वर्क करता है। ये देख सकते हैं हम इसका वायर निकाल दिया है, आप वायर इसमें समझाना चाहेंगे। देखिए ये हमारा है जो बेस वाला स्पीकर, इसका वायर है, और एक ये निकाले हुए हैं ये हमारा रेडियो का है, जो आपको पीला वाला वायर उसमें दिख रहा था। और ये जो वायर है हमारा दो ये स्पीकर के सिंपली वायरिंग है, आप घर पर भी आसान है। इसके लिए हमको देखिए दोस्तों,
ये हमारा बेस वाला है, तो पहले हम बेस का इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें हम कर सकते हैं। देखिए इसमें इसमें दोनों में हम अच्छे से इसमें वायर ऐसे कर देंगे। ठीक है दोस्तों, करने के बाद ये जो हमारा ये दिख रहा है तो इसमें भी ये बेस स्पीकर का है, तो हम स्पीकर का भी ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे दोनों का। ठीक है दोस्तों, ये ज्वाइंट करने के बाद इसको हम साइड में कर देते हैं। और हमारे पास ये हो गया एंटीना का, एंटीना का इसको हम कर देते हैं। ये रेडियो का है, हम रेडियो के रेडियो में कर देंगे। तो अब हमारे पास दो दो वायर बचा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो जैसा कि ये वायर है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये नेगेटिव में नेगेटिव इसको करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे अच्छे से। नेगेटिव नेगेटिव हो गया, इसका पॉजिटिव में कर देंगे। इसमें हमारा 12 वोल्ट सप्लाई इसमें आउट करके इसमें चला जाएगा। इसमें टेपिंग कर देंगे, प्रकार हमारा ये है। देखिए दोस्तों, इसको हम ऑन करेंगे तो इसमें हमारा सप्लाई चला जाएगा। ऐसे हम ऑन करते हैं तो हमारे एक एलईडी यहाँ पे लोड कर इसे हम एक्स मोड से भी चला सकते हैं। हमको रिमोट मिला है तो चलिए इसका सिंपली यहाँ पे हमको इस ब्लेड है जैसे शॉर्टिंग के लिए इसको निकाल देंगे। हम इसमें इसका ब्लूटूथ हम कनेक्ट करते हैं। दोस्तों हमारा ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट हो चुका है। चलिए इसको हम गाना प्ले करते हैं और आपको म्यूजिक सुनाते हैं कैसा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा साउंड इस बॉक्स में है। आप भी घर पे इसको बना सकते हैं, बहुत अच्छा साउंड है इसका। और बहुत अच्छा लगा इस बॉक्स से, हमारा जो स्पीकर है वो बहुत अच्छा शानदार और बज रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम बेस ट्रिपल आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे गाना चालू कर और इसको हम बेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, देख सकते हैं ये बेस घट रहा है बढ़ रहा है। अब ऐसे कम वॉल्यूम यहाँ पे कम बेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया है। तो दोस्तों हमारे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो, लव यू। आप देख सकते हैं इसमें, देखिए दोस्तों अच्छा अपलोड कर रहा है, आप ही कर सकते हैं।